जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम कथा की मधुर वेला में आप सभी का स्वागत है। आज राम कथा का ये छठा भाग, छठा एपिसोड है। इसमें आपको राम के द्वारा विश्वामित्र की सुरक्षा की जाती है उस विषय में बताया जाएगा। पिछले एपिसोड में आपको बताया गया कि राम की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से हुई। इस एपिसोड में आपको विस्तार से राम ने एक बार विश्वामित्र की सहायता की थी उस विषय में बताएंगे। तो सभी हाथ जोड़ें, प्रणम शीर्षाने श्री राम। जय श्री राम। जिस घर में राम कथा चलती है उस घर में राम जी की कृपा बनी रहती है, और जिस घर में राम कथा चलती है उस घर में हनुमान जी की कृपा तो अपने आप ही बनी रहती है। क्योंकि जिस घर में राम जी का नाम लिया जाता है हनुमान जी का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हनुमान जी उनकी सुरक्षा के लिए रात दिन तैयार रहते हैं। तो बोलिए पवन शुद्ध हनुमान की। आज के इस भाग में आपको बहुत ही रोचक कहानी बताई जाएगी। जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण हो गई, उस समय जब चारों भाई अयोध्या में वापस आते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। और उसके बाद में जब इन सभी का स्वागत समारोह के बाद में वो महलों में अपनी माताओं से मिलने के लिए जाते हैं तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा इन सभी के चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और राजा दशरथ से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और महलों में बड़े आराम से राजसी ठाट बाट से रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आश्रम में सभी एक जैसे होते हैं, चाहे राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सबको एक जैसा रखा जाता था। लेकिन अब वो महलों में आ गए, 25 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करके वो स्नातक बन गए। स्नातक किसे कहते हैं? जो शिक्षा पूर्ण करके उनको एक विशेष प्रकार का स्नान करवाया जाता है गुरु के द्वारा, वो स्नान करके और फिर अपने घर पर जाता है, उस स्नान को ही, स्नान करने वाले को ही स्नातक कहते हैं। आजकल बीए वगैरह करने वाले को स्नातक कहते हैं। उसके बाद में विश्वामित्र अपने आश्रम में वापस चले गए। लेकिन विश्वामित्र धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते हुए वहां पर बहुत सारे राक्षस है वो उनको परेशान करते थे। अब एक बहुत बड़ी राक्षसी थी, उसका नाम था ताड़का। क्या नाम था? ताड़का। ताड़का के दो पुत्र थे, बड़ा मारीच और छोटा सुबाहु। दोनों भी बहुत बड़े बलवान राक्षस थे। अब ये रावण के कहने से विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट करने के लिए आकाश मार्ग से आते, और जो विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे उसमें हड्डियां डाल देते थे और खून से भरे हुए घड़े लाकर के खून भी डाल देते थे। इस तरह से यज्ञ विध्वंस कर देते थे, तो विश्वामित्र बार बार यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाता था। अब ताड़का रावण के क्या लगती थी? नानी। ताड़का रावण के नानी लगती थी। तो ताड़का के बेटे रावण के क्या लगते थे? भांजे, मामा लगते थे। क्योंकि नानी के बेटे आपके क्या लगते हैं? मामा। तो ताड़का रावण की नानी थी, और ताड़का के दो बेटे मारीच और सुबाहु वो रावण के क्या लगते थे? मामा लगते थे। अब ये जो मारीच है ना, ये मारीच बहुत समय बाद में आप एपिसोड में बताया जाएगा, बहुत ही खतरनाक रोल है इसका। राणा सांगा कौन था? राणा सांगा मारीच था। राणा सांगा कौन था? मारीच था। अब राणा सांगा मारीच कैसे था ये कहानी आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अब विश्वामित्र को ये जब परेशान करने लगे तो विश्वामित्र सीधे राजा दशरथ के पास में गए। दशरथ को जाकर के कहा कि हे राजा दशरथ, मुझे आपके बच्चे चाहिए।
वो भी राम और लक्ष्मण। हालांकि लक्ष्मण से बड़ा कौन था? भरत। लेकिन उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण मुझे चाहिए। इस तरह से राजा दशरथ ने कहा कि आपको अब क्या जरूरत है राम और लक्ष्मण की? तो विश्वामित्र ने कहा कि बहुत बड़े बड़े राक्षस आए हैं, बहुत बड़ी राक्षसी ताड़ता आई है जो मेरा यज्ञ नहीं करने देती है। तो दशरथ ने कहा कि बच्चे उस इतनी भयानक राक्षसी का सामना कैसे करेंगे, मैं अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के खुद आपकी सुरक्षा के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं राजा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर मैं मर भी गया तो भी आपकी सुरक्षा करता हुआ मरूंगा, लेकिन मैं आपके यज्ञ की सुरक्षा करूंगा, ये मेरा धर्म है। विश्वामित्र ने कहा कि राजा दशरथ आपका टाइम गया, आपको किसी की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने महलों में विश्राम करो, क्योंकि मुझे तो राम और लक्ष्मण ही चाहिए। राजा दशरथ को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप अपनी हदें पार कर रहे हो, बच्चों को लड़ने के लिए कैसे भेजूं? विश्वामित्र ने भी ताव के साथ में कहा कि बच्चों को मैंने शस्त्र विद्या सिखाई है, अब लड़ने के लिए बच्चों को नहीं भेजेंगे तो आप थोड़े जाएंगे, बच्चे अब नहीं लड़ेंगे तो कब सीखेंगे, इनको बहुत बड़ा युद्ध करना है, पापियों को मारना है, संसार में धर्म की रक्षा करनी है, अब ये शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, अब इनको घर पे बैठे रखेंगे तो ये अपनी शिक्षा भूल जाएंगे, इसलिए आप राम और लक्ष्मण को भेजिए। दशरथ ने कहा कि मैं मेरे बच्चों को नहीं भेजूंगा, आप विश्वामित्र जी कितना भी प्रयास करें लेकिन मेरे बच्चों को मैं इतने बड़े राक्षसों के सामने नहीं भेजूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि मत भेजिए, मैं आपको श्राप देके चला जाता हूं। तो पहले श्राप से बहुत लोग डरते थे, आज कहते हैं कि श्राप देना दे दे, कितने देना है दे दे, लगे कि नहीं लगे, सब झूठे हैं, झूठों के साथ थोड़े लगते हैं, जो सच्चा मनुष्य होता है उसका श्राप लग जाता है, इसलिए सच्चे मनुष्य को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। वो अपन को श्राप देता है तो जिंदगी भर अपने परेशानी रहती है, कोई भी समस्या नहीं मिटती, इसलिए सच्चे मनुष्य को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से राजा दशरथ ने कहा कि आप हमारे बच्चों को जरूर ले जाइए, साफ मत दीजिए, लेकिन बच्चों की थोड़ा ध्यान रखना। राजा दशरथ को विश्वामित्र ने कहा कि बच्चों का ध्यान हम नहीं रखेंगे, हम हमारा ध्यान रखने के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं, और ये बच्चे नहीं है, बहुत बड़े योद्धा बन गए हैं, और देखना अवश्य जीत के आएंगे। तो इस तरह से राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा के लिए भेज देते हैं, और जब यज्ञ शुरू होता है तो उस यज्ञ की सुगंध सुन के वहां पर राक्षस बहुत सारे वो आकाश मार्ग से आते हैं। जब आकाश मार्ग से आते हैं तो बहुत बड़ा रोचक दृश्य प्रस्तुत होता है, राम और लक्ष्मण अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके और उनको आकाश में ही मार देते हैं। इस तरह से कुछ राक्षस वापस जाकर के राक्षसों की महारानी ताड़का को जाकर के कहते हैं कि इस तरह से दो बालक है जो विश्वामित्र के यज्ञ के चारों ओर घूम रहे हैं, और विश्वामित्र बड़े शान से यज्ञ कर रहा है, यज्ञ पूर्ण हो गया तो हम राक्षसों को भारत से वापस लंका में भागना पड़ेगा, नहीं तो हम भारत में रह करके ऋषियों को मारते हैं और लोगों को सताते हैं। ताड़का ने कहा कि इस तरह से है तो हम खुद जाएंगे, लेकिन ताड़का के बड़े पुत्र शुभाहु ने कहा कि माता आप हमारे होते हुए आप कैसे जा सकती है, हम उन दोनों बालकों को अभी मुट्ठी में पकड़ के ले आते हैं। शुभाहु वहां पर बहुत बड़े ताव साव के साथ में आया तो राम ने एक ही बाण से उसका गला काट दिया, शुभाहु का वध कर दिया श्री राम ने, और राम का जय जयकार होने लगा, बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम की, श्री राम की। और उसके बाद में जैसे ही पता चला ताड़का को कि उनका पुत्र शुभाहु मारा गया, तो वो खुद वहां पर आने के लिए तैयार हुई, क्योंकि ताड़का बहुत ही शक्तिशाली थी, बहुत बड़ी राक्षसी थी। और उसके बाद में मारीच ने कहा कि मैं जाता हूं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, शुभाहु का बदला मैं लेऊंगा। तो मारीच वहां पर आता है तो लक्ष्मण बाण लेके भागता है, लेकिन राम तो लीलाधारी भगवान विष्णु थे, लक्ष्मण अपनी लीलाएं भूल चुका था क्योंकि वो तो शेषनाग का अवतार था लक्ष्मण, और श्री राम विष्णु के अवतार थे। लक्ष्मण को मना किया कि आप बाण मत चलाओ, मैं चलाता हूं। लक्ष्मण ने कहा कभी तो मेरे को मौका दो,
और श्री राम ने एक ऐसा बाण चलाया जो आगे से तीखा नहीं था, आगे से कोमल बाण था, और उस बाण के अंदर उस मारीच है वो उसके अंदर सवार हो गया, यानी उस बाण को ऐसा चलाया कि मारीच को वो लेकर के आकाश में उड़ गया, और वो बाण मारीच को ले जाकर के समुद्र तट पर, यानी कि दक्षिणी भारत में बहुत दूर ले जाकर के वहां पर समुद्र तट पर उस मारीच को पटक दिया, लंका के पास में। वहां पर मारीच बड़े जोर से गिरा, थोड़ी देर में ठीक होकर के देखा कि अरे मैं कहां पर आ गया, बहुत दूर आ गया, अयोध्या से इतना दूर वहां पर, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आगे जब सीता का हरण होगा उस समय मारीच की जरूरत पड़ेगी। उनको पता था राम को, तो राम तो लीलाधारी है और वो लीलाएं खेल रहे थे, अंतर्यामी, उनको सब पता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह से मारीच को मां से उड़ा दिया, और उसके बाद में ताड़का स्वयं आई तो राम ने उसका हाथ गले सब काट दिए, क्योंकि उसका आकार कुंभकर्ण की तरह बहुत बड़ा था, उस बहुत बड़ी राक्षसी को वहां पर मार दिया। राम किसने मारा, श्री राम ने। तो फिर से श्री राम की जय बोलने लगे, बोलो श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की, इस तरह से जयकारे होने लगे। और उसके बाद में कई दिनों बाद में यज्ञ संपूर्ण हुआ, और जब तक यज्ञ संपूर्ण हुआ तब तक राम और लक्ष्मण अपने पैरों पे खड़े रहे, रात दिन खड़े रहे, और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए सुरक्षा करते रहे। और जब वो यज्ञ संपूर्ण हुआ तो भारतवर्ष में धर्म की रक्षा होने लगी, क्योंकि यज्ञ से ही सब कुछ होता था, यज्ञ से धर्म की रक्षा होती थी, यज्ञ संपूर्ण होने पर फल भी मिलते थे, यज्ञ संपूर्ण होने पर सब कुछ होता था। इस तरह से यज्ञ में विघ्न डालते थे, उन राक्षसों का वध करके श्री राम ने विश्वामित्र की सहायता की थी, और उसके बाद में विश्वामित्र सम्मान के साथ में राम और लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या वापस आते हैं। तो वहां पर श्री राम और लक्ष्मण जब अयोध्या की गलियों से होकर के गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं तो सब लोग जयकारे बोलते हैं कि हमारा राजकुमार, हमारा युवराज श्री रामचंद्र, जो कि ताड़ का शुभाऊ जैसे राक्षसों का वध करके और मारीच को उड़ा करके आया है। फिर से महलों में आए तो दशरथ ने भव्य स्वागत किया राम का, और विश्वामित्र से माफी मांगी कि मैं अपने बच्चों को काबिल नहीं समझता था, लेकिन इन्होंने मारीच और ताड़का जैसे राक्षसों राक्षसनियों को मार करके ये साबित कर दिया है कि श्री राम मुझसे भी शक्तिशाली है। इस तरह से दशरथ ने श्री राम की सराहना की और विश्वामित्र की सेवा आराधना अर्चना पूजा वगैरह की और भोजन वगैरह करने के बाद में विश्वामित्र अपने आश्रम में वापस चले गए, और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न फिर से अपने महलों में आराम से रहने लगे। तो आज के इस छठे भाग में यहां तक कहानी है, आगे बहुत ही रोचक कहानी आएगी। श्री राम कथा हमेशा एक एपिसोड अपने घर में सुनना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ में आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।